हरे कृष्ण कृष्ण। अब पुरुषार्थ की मूर्ति हो, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी आप स्वयं मूर्ति हो। पुरुषार्थम मूर्ते है, मतलब आप ये सब दे सकते हो, ये सारे वरदान आप दे सकते हो, धर्म दे सकते, अर्थ काम मोक्ष, इसी की तो आप मूर्ति हो, विग्रह हो। तो इन इन सभी में आपका स्वयं का चरणों का आश्रय, स्मरण, सेवा ही सर्वोपरि वरदान है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ मूर्ति तो यह कहा, और हमने फिर कहे जो प्रसिद्ध, जब पुरुषार्थ कहते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही उल्लेख होता है, किंतु वैसे और एक पुरुषार्थ बच जाता है, प्रायः सुनने को नहीं मिलता, जिसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी सुनाते हैं, या चैतन्य महाप्रभु ने सुनाया। वैसे श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेम उपमार्थो महान, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो न परः। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम्, यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मत है, और चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, तो उनका मत फाइनल है, सर्वोपरि है, पूर्ण है। तो उन्होंने कहा प्रेम पुम अर्थ, पुम अर्थ मतलब पुरुषार्थ, प्रेम पुमार्थ, प्रेम ये भी पुरुषार्थ है, और उसको कहे पंचम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ का मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है, लेकिन इससे भी ऊंचा श्रेयस्कर पुरुषार्थ है प्रेम पुरुषार्थ, प्रेम की प्राप्ति, या भगवान के प्रेममयी सेवा की प्राप्ति। केवल डिवोशन ही नहीं, केवल ध्यान ही नहीं, डिवोशनल सर्विस। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब भक्ति का भाषांतर करते, तो जो अन्य जिनकी समझ केवल इन चार पुरुषार्थों से ही सीमित रहती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से ही सीमित रहती है, तो वे कहेंगे भक्ति को, वे कहेंगे डिवोशन, जिस डिवोशन में शांति। या लेकिन प्रभुपाद या वैष्णव भक्ति का भाषांतर अनुवाद करते डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा। इन्हें केवल मैं भगवान का ध्यान करता हूं, और आई हैव लॉट ऑफ डिवोशन, ओ बहुत डिवोशन, बहुत डिवोशन, क्या कहा जाए, मेरा डिवोशन कितना है। तो वे खूब कहेंगे डिवोशन डिवोशन, भक्ति भाव, लेकिन दिखाओ तुम्हारा भक्ति भाव, उसको भाषांतरित करो, तो फिर वो भाषांतर होगा डिवोशनल सर्विस, भगवान के, भगवान की सेवा, भगवान की प्रेममयी की हुई सेवा ही प्रेम है, या प्रेम पुरुषार्थ है।